कॉफी। हेलो मिस्टर, किन सोचो मैं घूमू? हाँ कहीं भी। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होते हुए तुम किसी और के बारे में सोचो? क्या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ऐसे माफी नहीं मिलेगी। चलो जल्दी से कान पकड़ो। क्या? हाँ कान पकड़ो, माफी दे दे। गुड। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहते हो तो मुझे लगेगा मेरी जिंदगी में रंग भर। तुम इसी तरह मुझे हमेशा प्यार करते रहो तो मैं हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहूंगी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा प्यार करूंगा, इतना प्यार कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे। गुड, चलो कॉफी पियो। अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी। यस हमाद, बेटा कमरे में क्या कर रहे हो? फातिमा ने कॉफी बनाई है, आ जाओ सब वहीं बैठे। खुशी मामा ऐसी बस रेस्ट कर रहा था। हमाद, बेटा तुमने क्या सोचा? किस बारे में? बेटा शहजीन को घर नहीं लाना है क्या? मामा वो गई खुद है तो आ भी खुद ही जाएगी। लेकिन बेटा छोड़ने तो तुम गए थे ना उसे। जी मामा, मैं ही छोड़ने गया था और उसकी वजह यही थी कि उसके घर वालों को यह ना लगे कि हमने उसको लावारिसों की तरह भेज दिया जैसे उन्होंने हानिया को भेजा था। मामा प्लीज, बेटा किसी एक को तो झुकना होता है ना। तो मामा हम क्यों झुके? हमारी तो कोई गलती नहीं है। देखो हानिया के घर आने के बाद हमने उसके साथ जो रवैया रखा था वो हमारी गलती थी। तो मामा उसके जवाब में उसने भी कुछ कम नहीं किया? हर वक्त बदतमीजी, हर वक्त ताने, क्या कुछ नहीं बोला उसने? रिश्ता तोड़ना तो नहीं है ना, जोड़ना है हमार, और उसके लिए बहुत कुछ दरगुजर करना होगा। ठीक है मामा, मैं सोचता हूँ इस बारे में। वो तो रिश्ता रखना ही नहीं चाहती मामा, और आप जोड़ने की बात कर रहे हैं।